अच्छा, मैं आप दोनों से जो शुरुआत करूंगी ना शो की, मैं चाहूंगी कि फ्लैशबैक में जाएं और जिस तरह आप इस फील्ड में आए थे, मैं आप दोनों से वो सुनना चाहती हूँ. भले आपने बहुत दफा सुनाया होगा अलग अलग इंटरव्यूज में, लेकिन मैं फिर सुनना चाहती हूँ. किसे आप पहले या मैं करते शुरू करते हैं. कैसे फैसल रहमान को कैसे मौका मिला इस फील्ड में आने का या इसको प्रोफेशनली चुनने का? मैंने तो खुद नहीं चुना एज सच, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ मैं बहुत छोटा था जब मैं इंडस्ट्री में आया. हाँ. क्लास नाइन्थ में था जब मुझे पहली फिल्म की ऑफर मुझे मिली. कैसे ऑफर मिली? ऐसे ऑफर मिली कि मेरे फादर सिनेमेटोग्राफर थे, हमारे घर आना जाना था फिल्म वालों का बहुत ज़्यादा. सो मेरे एक डायरेक्टर थे, बड़े मशहूर डायरेक्टर थे, नज़रुल इस्लाम. अपने फादर का नाम भी बताइए. मेरे फादर का नाम मसूद रहमान है. अच्छा. तो वो तो हमारे घर आना जाना था काफ़ी लोगों का. तो वो अपनी एक फिल्म बना रहे थे. हाँ. बना रहे थे जिसमें उनको एक बहुत छोटा लड़का चाहिए था, मैट्रिक का स्टूडेंट चाहिए. हाँ. था. तो हमारी नेबर में रूही बानो रहा करती थी. अच्छा. तो वो मैंने बचपन से उनको देखा भी होता. तो वो ज़माने में फिल्मों में और टीवी ड्रामों में भी काम करती थी, पीटीवी पे. तो वो उन्होंने कहीं स्टूडियोज़ में बात की कि वो मसूद साहब के बच्चे बड़े प्यारे हैं, आप जाके उनको. हाँ. भी चेक कर लें, क्योंकि आप. हाँ. वो कह रहे थे कि हम कोई एक दो साल से ढूंढ रहे, कोई लड़का नहीं हमें मिल रहा. हाँ. तो खैर वो आए, हम सब भाइयों को उन्होंने देखा और उन्होंने मेरे पे उंगली रख दी. तो मैं इस तरह से, क्योंकि नाइन्थ मैट्रिक में तो लड़कों की अजीब सी शक्लें होती हैं. नहीं, मेरी बड़ी अजीब शक्ल थी. नहीं वो नहीं, नहीं, आपने तो देखा है, आपकी तो अच्छी शक्ल थी. हाँ, मेरा मतलब वो मुझे नहीं लगती थी अच्छी. हाँ. लेकिन लोगों को अच्छी लगी हो सकती. वो होता है ना, ना बड़ों में होते ना बच्चों में. हाँ. होते हैं. आधी दाढ़ी आ रही होती है, आधी शेव होती है. और मेरा, और असल में मैं मोटा बहुत था. तो मेरा इतना बड़ा मुंह था मेरा, और मैं इतना मोटा, बल्कि मुझे डायरेक्टर ने कहा कि आप जरा एक्सरसाइज भी करें, मोटे बहुत हैं. अच्छा. हाँ. तो मुझे फिर एक्सरसाइज भी करनी पड़ी. लेकिन दैट वाज द टाइम व्हेन माय फेस वाज चेंजिंग, माय वॉइस वाज ब्रेकिंग. तो वो उस जमाने में मेरी बहुत सारी, अगर आप मेरी फिल्में देखी शुरू की. हाँ. तो वो हर फिल्म में मेरा एक मुख्तलिफ शक्ल है. हाँ, हाँ. जिसकी वजह ये थी कि आई वॉज ग्रोइंग इन दोज डेज, यू नो, इन दोज ईयर्स. तो दिस इज हाउ आई केम. उन्होंने मुझे कहा कि जी आपने फिल्म में काम करना है. हाँ. मैंने कहा जी क्यों नहीं, हमें बड़ा शौक है, हम भी देखें कि स्क्रीन पे कैसे लगते हैं. हाँ. तो वो फिर कॉन्शियस थे या अभी ज्यादा कॉन्शियस है, सच सच बताइएगा. नहीं, मैं उस वक्त भी कॉन्शियस लुक्स के. हाँ. नहीं, उस वक्त मैं बिल्कुल कॉन्शियस नहीं था. हाँ. अभी भी मैं कॉन्शियस नहीं हूँ, लेकिन आई लाइक टू लुक गुड. तो इसलिए मैं ये कॉन्शियस. बात सुने, डिम्पल तो आपका उधर ज्यादा पड़ता है, तो आप ये वाली साइड आपकी कैसे अच्छी है? अच्छा, क्या कह रही है? डिम्पल ज्यादा तो यहाँ पे पड़ रहा है ना. नहीं, मेरा दोनों डिम्पल पड़ते हैं मेरे. हाँ, लेकिन अगर आप कंपेरिजन करें तो ये ज्यादा डीप है, और ये वो, क्योंकि मैं स्माइल इस तरफ से करता हूँ. हाँ. लेकिन बट द थिंग इज कि वो फिर उन्होंने कहा जी मेन रोल. मैंने कहा कि शायद कोई बचपन का, नदीम का बचपन, मोहम्मद अली का बचपन, या तो. मैंने कहा नहीं. वो उन्होंने कहा जी नहीं, ये तो मेन रोल है. मेरे फादर ने एक दिन आके कहा ये तो मेन रोल है, तुम कर लोगे या नहीं? तो मैं कहा नहीं नहीं मैं कर लूंगा. तो कैसे पता चला कि अंदर ये छुपा हुआ है टैलेंट? नहीं, टैलेंट तो था ही नहीं, पता ही नहीं था कि टैलेंट है भी या नहीं है. वो तो काम किया, तो ऐसे ऐसे टैलेंट एक्चुअली अंदर से बाहर आया. वो तो पता नहीं सोया था, सीखते गए आप. लेकिन अभी मुझे पता नहीं कि वो टैलेंट है या एक्चुअली आई टेक एक्टिंग वेरी इजी. मुझे एक्टिंग लगता नहीं कि इनबॉर्न होती है चीज. यस इट इज. बहुत सारे लोग कहते हैं ना, हम इस फील्ड में आ जाए, हमें कुछ कुछ नहीं आता, चलो हम एक्टिंग कर लेते हैं, टीवी पे आ जाते हैं. मैंने हाँ, ये तो या तो आप एक्टर हैं या आप नहीं हैं. मुझे लगा ये था कि मैंने कहा ये मैंने कोशिश नहीं की कभी एक्टिंग करने की. मैं तो हमेशा नेचुरली. तो वो जो आपकी स्ट्रेंथ है, यही तो. हाँ, यही तो बात है कि मैं जरा सा नेचुरल जाता हूँ. और उसमें दूसरी बात ये कि मुझे इतनी ख्वाहिश नहीं होती कि मैंने हीरो बनना है, मैंने क्या करना है, जिसकी वजह से मैं बड़े चांसेस लेता हूँ. ऐसे आप enter hue aise main enter ho gaya. Fly across the world with Sahulat, where all your spending gives gold savings. Book tickets, visa or accommodation through Sahulat Travels and get save gold 80% on spending. Don't wait, book now and start saving gold rewards. ARY sahulatbazaar.pk 021 111 00162 powered by ARY Sahulat Wallet.